अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर शाहन है और हम सीख रहे हैं कोटलिन। प्रीवियस वीडियो में हमने मैप पढ़े थे, इस वीडियो में हम सेट कवर करेंगे। तो सेट बेसिकली एक इंटरफेस है जो कि जनरेट डेटा सपोर्ट करता है, और सेट का जो डिफरेंट फीचर है देन मैप एंड लिस्ट वो ये है कि जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये है कि सेट में जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगेन लाइक अदर्स वी हैव म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल सेट। सो हम पहले इम्यूटेबल सेट का एक एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा वेल कीवर्ड की मदद से, और उसका नाम रखूंगा सेट एग्जांपल, और मेथड कॉल करूंगा सेट ऑफ। यहां पे अगर मैं जनरेट डेटा असाइन करूंगा तो यहां पे मैं एनी टाइप डिफाइन करूंगा, यहां पे मैं टाइप एनी डिफाइन करूंगा। अगर मैं इंट या स्ट्रिंग का डिफाइन करना चाह रहा हूं तो इंट और स्ट्रिंग भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं, तो यहां पे मैं एनी डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर आप देखें यहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड करके, तो यहां पे मैं 2 ऐड कर रहा हूं, अगेन 2 ऐड कर रहा हूँ, और देन 3 ऐड कर रहा हूँ। अगर हम सेट को एटरेट करेंगे तो देखेंगे आउटपुट क्या है। तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एलिमेंट इन, एलिमेंट की स्पेल में करेक्ट कर लूँ इन सेट एक्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पे हम एलिमेंट डिस्प्ले करवाएंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखें मैंने जो डुप्लीकेट वैल्यूज एड किए थे वो मुझे आउटपुट में नहीं मिले हैं। जो मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज एड किए थे वो मुझे आउटपुट में एक वैल्यू मिला है। अगेन अगर मैं यहाँ पे 6 4 टाइम एड कर रहा हूं तो मुझे एक टाइम 6 मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सेट ऑफ मेथड बिलोंग करता है सेट से और ये इम्यूटेबल है। तो इस सेट में हमारे पास एड या पुट का मेथड नहीं है, तो ये हमारे पास इम्यूटेबल एग्जांपल है सेट का। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं म्यूटेबल का। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा म्यूट सेट एग्जांपल इक्वल्स म्यूटेबल सेट ऑफ। यहां पे अगर आप डिफाइन करना चाहें इसका टाइप तो आप कर सकते हैं। इन माय केस नाउ मैं इंटीजर ऐड कर रहा हूं और यहाँ पे 3 3 3। अगर मैं मजीद, अब ये मेरे पास आउटपुट में एक एलिमेंट आएगा 3। अगर मैं यहाँ पे मजीद एलिमेंट्स ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेथड है ऐड का, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 6 7 8 67 8 6 67 8। प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला लूप कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसका जो वेरिएबल है सेट का वो चेंज करके प्रोग्राम को रन करूंगा। तो हमारे पास आउटपुट जो आया है वो बिल्कुल परफेक्ट है 3 6 67 8। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक वेरिएंट है सेट का जिसको हम कहते हैं हैश सेट। हैश सेट में ये है कि आप जैसे सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह से हैश सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। द डिफरेंस इज के उसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वो उस सीक्वेंस में नहीं होगा जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, म्यूटेबल होगा। हैश सेट जो है वो म्यूटेबल है और इसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज आउटपुट में नहीं दिखाता। और जो उसका मेन फीचर है हैश सेट का वो ये है कि जो आप इनपुट करेंगे एलिमेंट्स वो आपको उसी ऑर्डर में आउटपुट में नहीं मिलेंगे। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उस पे नाम दूंगा हैश सेट एग्जांपल, और यहाँ पे हैश सेट ऑफ मेथड कॉल करूंगा। यहाँ पे डिफाइन करूंगा मैं उसका टाइप में दे रहा हूँ, इंट में एनी भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे हम वैल्यूज एड करेंगे तो 4 6 7 8 9 10। और अब प्रोग्राम को रन करेंगे। अच्छा, तो ये क्योंकि म्यूटेबल है तो एक मैं डायनामिक ऐसे भी ऐड कर देता हूँ, एक एलिमेंट 12 13। मैंने जो भी एलिमेंट्स में ऐड किए हैं वो सीक्वेंस में है। तो प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो बिल्कुल डिफरेंट आया है। 4 हमारे पास 6, उसके बाद 7, अगेन 23 आया है। 23 जो कि लास्ट डिजिट है, जो कि लास्ट डिजिट मैंने ऐड किया है वो मेरे पास 7 के बाद आया है। जो आज की डेट में हमें कोटलिन कलेक्शन प्रोवाइड करता है वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।